24 में ये चार काम कर लो, सोशल मीडिया ने एक नए तरह का राक्षस पैदा कर दिया, रोस्टर राक्षस। और राखी सावंत की शादी टूट गई, तुम लोग राखी सावंत के पीछे काहे पड़े हो यार। इस बार 2024 तपस्या का वर्ष तुम्हारे, सिंपैथी मत बटोरो, शक्ति बटोरो, जलना पड़ेगा यार, कोई रास्ता नहीं। 2024 का व्रत लो तुम। फॉर्मूले हैं सब, सूत्र सब फॉर्मूले हैं, एफ इजिकल टू एम इंटू ए। फोर्थ लॉ का प्रोग्राम आज नहीं आ पाया क्योंकि कल आएगा वो, कल रात में 9 बजे आएगा। गीता के ऊपर मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है, आज वो नहीं कर पाए क्योंकि आज इस शो को करना था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आप सब लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दूं और नव वर्ष की एक नई शुरुआत करने के लिए आप सब लोगों से अपील करूं, रिक्वेस्ट करूं। हो सकता है जैसे मैंने अपने जीवन को बदला, शुद्ध कोयला, यही गोंडा शहर के लोग, दोस्त मेरे, मित्र जो साथ में पढ़ते थे, रिश्तेदार, सब खत्म। लेकिन मैंने, मुझे सूत्र पता चले, मेरे जीवन में बदलाहट आई और मुझे गिल्ट इसी बात का नहीं है, था ही नहीं। हम पापी थोड़ी हैं, अज्ञानी। अगर मैं अपने आप को बदल सकता हूं, आप क्यों नहीं बदल सकते? सूत्र पता होना चाहिए। अब ये ग्लास है, अब साइंस में तुम्हें पढ़ाया, तुमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुमने सीखने के लिए नहीं पढ़ा ना। अब ये ग्लास है स्टील, अब तुम इतनी स्टील का कटोरा बनाना चाहते हो, इसी स्टील का। तो इसको गलाना पड़ेगा, टेम्परेचर से ट्रांसफॉर्मेशन। कितना टेम्परेचर? अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये गल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। अभी सॉलिड में है, लिक्विड हो जाएगा ये। अब जब ये लिक्विड हो जाएगा तो तुम इसका बाउल बना लो, तुम इसका स्पून बना लो, और टेम्परेचर दे दो, लिक्विड गैस में बन जाए। अब सवाल यह कि तुम देते कितना टेम्परेचर हो, इसलिए 3 स्टेजेस ऑफ मैटर पढ़ाया गया, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड को टेम्परेचर दे दो लिक्विड बन जाए, लिक्विड को टेम्परेचर दे दो गैस बन जाए, गैस और ऊंचाई पे चली जाएगी। अब उतना टेम्परेचर चलो हर आदमी नहीं देना चाहता, 3 स्टेजेस ऑफ मैटर पढ़ाया गया हमें, सॉलिड लिक्विड गैस। ये जो हमें साइंस में सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाया गया, इसी को कहा गया त्याग और तपस्या, इसी को अध्यात्म तपस्या कहा। ये जो तप शब्द है ना, ये टेम्परेचर से बना है। तमन्ना, वो जो टी इज इक्वल टू टी प्लस टी मैंने लिखा ना, तमन्ना इज इक्वल टू त्याग प्लस तपस्या। सब बदल जाओगे और कोई रास्ता नहीं है। मोटिवेशन तुम ले लो, मोटिवेशन से नहीं बदल पाओगे, तपस्या करनी पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए इस देश में आश्रमों का अस्तित्व है,
आश्रम, गांधी जी ने भी इसीलिए आश्रम बनाया। तमन्ना इज इक्वल टू त्याग प्लस तपस्या। अब तुम कितना तप करते हो, चले जाओ विपासना सेंटर, चले जाओ महाराज अड़गानंद जी के आश्रम, चले जाओ कहीं ऐसी जगह जाओ जहां तुम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में तुम्हें रहना पड़े। त्याग घर द्वार थोड़ी छोड़ना है, तो 4 बजे जो आदमी उठ रहा है उसको पर डे 5 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, चार बजे सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और 4 बजे कैसा भी आदमी वो सभी सोता है, अपवाद हर जगह है। डाइस ली थी मैंने, डाइस, मैं मेज कुर्सी बैठ के नहीं पढ़ता था, मैं डाइस लिया हुआ था, जिस डाइस पे टीचर लोग पढ़ाते हैं वो डाइस लिया हुआ था, उस पर खड़े होकर पढ़ते थे। ठंडक में पूरा जूता मोजा टोपी लोग भी लगा के खड़े होकर पढ़ते थे, पता था कि रजाई में पैर डाल के पढ़ेंगे नींद आ जाएगी। जब तक पढ़ाई करते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि जैसे खाएंगे सारा खून दिमाग पेट की तरफ भाग जाएगा, सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी, और खाली दिमाग कब्जे में रहता है, जब खाली पेट हो दिमाग कब्जे में रहता है, कहीं भागता ही नहीं। ये तुम्हारे लेवल की तपस्या, तुम्हें थोड़ी हिमालय जाना है। तुम्हें थोड़ी हिमालय जाना है, दर्द में भी कुछ बात है। क्या बात है? कि दर्द तुम्हें जीवंत बना के रखता है, दर्द में तुम सो नहीं सकते, दर्द में भी कुछ बात है, यह दर्द तुम्हें जीवंत बनाए रखता है। रात में दर्द हो रहा है, रात में 10 बजे सो जाओगे? और जिसने इस दर्द को खरीदना शुरू कर दिया, जिंदगी तो वैसे भी तुम्हें देगी, उसका वादा है, सबको देती है, दर्द, नाक में दर्द हो गया, अब नहीं सो पाओगे। दर्द का काम है जीवांत बनाए रखना। अब विद्यार्थी के रूप में तुम खड़े होकर पढ़ो, 4 घंटा खड़े रहो, नींद आ ही नहीं सकती, नींद आ ही नहीं सकती, पेट और मन का गहरा संबंध है, पेट खाली मन कब्जे में, तो जब तक पढ़ो तब तक खाने से दूर रहो। सुबह उठे 6 केला खा लिए, 3 गिलास दूध पी लिए, 15 अंडा खा लिए, और फिर पढ़ रहे हो फंडामेंटल राइट, सारा खून पेट में मौजूद है, यहां कुछ काम ही नहीं कर रहा हो, पेट भरा रहेगा तो मन तो घूमेगा, फिर टहलेगा कि बड़ी वाली बुआ मकान में हिस्सा मांग रही है। भूखे मन से, भूखे पेट से, जब पेट भूखा हो तब मन से कहो कि उल्टे सीधे विचार लाके दिखाओ, कहेगा अरे भैया पहले खाने तो खिला दो। ये तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी तपस्या जंगल जाने की तपस्या नहीं है, तुम्हारी तपस्या, वो भी उसका भी समय आ जाएगा, कोई बात नहीं, स्टेज वाइज डेवलपमेंट है अध्यात्म में, तुम्हारी यही तपस्या है। अब 24 घंटे तो पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ोगे तो 8 ही घंटे, लेकिन माहौल पढ़ाई का होना चाहिए। बाहर निकले हमास पे डिस्कशन कर लो, हमास का फुल फॉर्म पूछ लो,
यूनिवर्सिटी का लड़का, डिबेट पर चर्चा क्या नहीं होता था यूनिवर्सिटी में? मतलब जो लड़का यूनिवर्सिटी में पहुंच गया उसको लोग आईएएस मान ही लेते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, लोग बात नहीं करते थे यहां के लड़कों से डर के मारे कि अरे भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप पहुंचे सुबह 8 बजे 10 बजे पहुंचे यूनिवर्सिटी, और जैसे एंटर किए डिस्कशन शुरू हो गया, क्लासें हुई, परिचर्चा हुई, वाद विवाद हुआ, झगड़ा नहीं। कई विंग के स्टूडेंट्स होते थे, कोई आईसा का है, कोई एबीबीपी का है, कोई एनएसयूआई का है, सब अलग अलग विंग के स्टूडेंट है, सब अपना अपना बात रखते थे, अपना अपना एविडेंस रखते थे, गहन चर्चा होती थी, एक एक कप चाय पीते थे, सब वापस अपने अपने कमरे पे, तो यूनिवर्सिटी ज्ञान का अड्डा बन गई थी। आज और 8 सीरीज की वॉच ले ली, अच्छा इसके क्या फंक्शन है, इसके क्या फंक्शन सिस्टम है, बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा न्यूयॉर्क पे क्या कर रहे हो, वो तो तुम लोग यार बहुत महान हो, बहुत महान हो जो यहां बैठ के मुझे सुन रहे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम सबके जीवन में परिवर्तन आए, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि तुम सबके जीवन में परिवर्तन आए, और आज से यह बात शुरू कर दूं। जलना पड़ेगा यार, कोई रास्ता नहीं। 2024 का व्रत लो तुम, 2024 की शुरुआत तुम तपस्या की शुरुआत करो कि अब मुझे तपस्या करना है, अपने आप को कष्ट देना है। और जिस दिन तुमने स्वयं को कष्ट दिए, भारत की सबसे बड़ी खोज है। इस बार 2024 तपस्या का वर्ष तुम्हारे, आज लिख लो। दर्द से भागना नहीं है, दर्द हो रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है। मैंने विचार किया कि ना नववर्ष की पूर्व संध्या पर मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, इसका व्रत ले लो, ये पहला व्रत ले लो कि तपस्या करनी है। 2024 तपस्या का वर्ष है हमारा। तुम किसी भी घर के हो, अमीर घर के हो, गरीब गरीब तो कोई है नहीं, पता नहीं क्यों लोग गरीब 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 बच्चे गरीब बच्चे गरीब बच्चे। जब तक तुम्हारी चेतना है और तुम्हारे पास दिमाग सही है, तुम गरीब नहीं हो। सिंपथी मत बटोरो, शक्ति बटोरो, कहीं भी काम करो यार। मुझे एक लड़का मिला लखनऊ में, वो सोसाइटी में गाड़ी साफ करता है, सुबह आता है 4 घंटा गाड़ियां साफ करता है, तैयारी कर रहा है। कहा सर आपकी वीडियो देख के, मैंने कहा ना किसी से कुछ भी नहीं करूंगा, बड़ी बड़ी सोसाइटियां इतनी, एक गाड़ी साफ करने का महीने का 700 रुपया, ज्यादा खुश हो जाए तुम्हारे साफ करने से 800 रुपया। बहुत खुश हो जाए 1000 रुपया। क्यों शर्मा रहे हो? हम भी तो रेस्टोरेंट में काम किए, हम तो किसी से नहीं गए, क्योंकि कोई मुझे एहसास हो गया कोई गरीब ही नहीं है। गरीब जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। गरीब है वो। और अगर धन नहीं है तो पहले धन की व्यवस्था कर लो, कोई स्किल सीख लो, पहला काम यही कर लो। 18 साल में तैयारी कर रहा हूं, 15 साल से तुम्हें दिमाग में आ तैयारी कर रहा हूं, तुम्हें पता है मेरे मां बाप पैसा नहीं दे पाएंगे, कोई स्किल सीख लो कि जैसे ही तुम 18 19 20 की उम्र में पहुंचो तुम्हारे हाथ में 15-20 हजार रुपए महीने का आता रहे। मेरे घर में एक लड़का आया, वो वाटर प्यूरिफायर ठीक करने तैयारी कर रहा था,
24 का तुम्हारा पहला व्रत कि तपस्या करना है, खुद को कष्ट देना है, खुद को बदलना है, खुद से शुरुआत करनी, स्वयं से, किसी को नहीं बदलना, कोई बुरा नहीं है। कोई बुरा है ही नहीं। लोग भटके हुए हैं, अज्ञानी है। दूसरा व्रत तुम क्या लोगे 2024 में? पहला तो तपस्या सर्वोपरि, तपस्या, आप सेल्फ रिलायंस, दूसरा व्रत ले लो सेल्फ रिलायंस। अगर तुम्हारी उम्र 20 साल से कम है तो सेल्फ रिलायंस, कुछ भी सीखूंगा, कोई भी स्किल सीखूंगा, पहले स्किल सीखूंगा। जब तुम तैयारी करते हो ना तो बैठ के शांति से पढ़ना होता है। 1990 के पहले लोग एक दूसरे की मदद कर देते थे, सतुआ खा के लोग पढ़ लेते थे, तब इतनी चुनौतियां जीवन में नहीं थी, जीवन बड़ा सरल था। इलाहाबाद शहर जैसे शहर शिक्षा के केंद्र थे, सब जौनपुर प्रतापगढ़ 50-50 किलोमीटर के चारों तरफ शहर थे, लोग गांव जाते थे 50 किलो गेहूं ले आते थे, आलू ले आते थे, लेकिन जो दिल्ली आकर पढ़ रहा है तीसरा ये माला है ना, मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए यूज करेंगे, बस। रात में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, माला ले लो, रामकृष्ण मिशन में चले आओ, 25 रुपए की माला मिलेगी, पढ़ो, कोई भी मंत्र उठा लो, ओम नमः शिवाय, ओम अंबेडकराय नमः, कुछ भी अपना नाम बोलो, ओम संजय नमः, अपना बोलो, फायदा क्या होगा? मन की भकभकाहट टूटेगी, इसकी स्पीड कम होगी। यही माला, माला से मुक्ति थोड़ी मिलती नहीं, कबीर ने कहा नहीं, माला फेरत जगमुआ, गया ना मन का फेर। लेकिन माला फेरने से क्या होता है, मन की जो भकभकाहट है, मन का जो अधीरपन है, मन की जो उत्तेजना है, वो शांत हो जाती है। और चौथा व्रत करके देखना, तब बताना, करके देखना तब बताना। मां बाप को डेली प्रतिदिन तुम्हारे साथ हैं, आप उनका चरण पकड़िए, आपके साथ नहीं है आप उनको फोन करिए, पर डे, पता है ये जब खुश होते हैं, कोई भी आदमी जब खुश होता है तो उसकी वाइब्रेशन निकलती है पॉजिटिव। इसलिए सारे धर्मों ने दुआ को बड़ा महत्व दिया है, कहा जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। तुम लोगों ने दुआ खरीदना छोड़ दिया यार, कल से तुम्हारा 24 शुरू हो रहा है, 24 में ये चार काम कर लो, घबराओ मत। भगवान राम की फोटो लगा लो, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम इस भारतीय संस्कृति के महानायक हैं, त्याग और तपस्या, वही तो ये सूत्र देते हैं। इस देश ने भगवान बनाने का फॉर्मूला ढूंढ रखा है, ध्वज श्री राम।
श्री बनकर घर से निकले, प्रभु बनकर लौट कर आए। लेकिन 14 साल लगा प्रभु बनने में, ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर कायदे से त्याग और तपस्या करोगे तो 14 साल, 6 महीने अगर तुमने त्याग और तपस्या कर लिया, 6 मंथ्स, और अपने आप को 6 महीने में बदल लिया, ब्यूरोक्रेसी, एक साल, एमएलए बन जाओगे, 5 साल एमपी बन जाओगे, 10 साल प्रधानमंत्री बन जाओगे, और 14 साल, अगर 14 साल एक राइट डायरेक्शन में अपने आप को बदले, टेम्परेचर देते ही चले गए, तो भगवान बन जाओगे। भगवान राम उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तुम देख लो तुमको कितना करना है, और कोई रास्ता नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं। और कोई रास्ता ही नहीं है दोस्त। और जब संघर्ष कर रहे हो, कभी संघर्ष का भी मजा ले लो यार। पूरी मिर्जापुर सीरीज में अखंडानंद को कहीं गाली देते हुए सुनो एक बार, वो भी कब, जब वो पुलिस ऑफिसर सामने बैठा, वो उसको दिखाना है कि भाई तुम्हें मैं कुछ समझता नहीं। मुन्ना बात बात पे गाली दे रहा है, और भगवान राम ने खुद तो तपस्या की, अपने बच्चों को भी कराई, क्योंकि उनको पता था कि भगवान बनने का यही एक रास्ता है। लोग उस आश्रम में रहे, तभी तो रामधारी सिंह दिनकर ने निकाह, प्रसादों के कनकाप शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में शैलों की फटी दरारों में। कबूतरों को देखो, प्रसादों के कनकाप शिखर होते कबूतरों के ही घर। लास्ट बात, संघर्ष करोगे बीच बीच में फंसोगे, तो कहां से एनर्जी लोगे? साहित्य से, लिटरेचर पढ़ो यार, लिटरेचर। मैं कितनी किताबें निकाल के दिखाऊं, इतनी सारी किताबें हैं। लिटरेचर को अपना दोस्त बना दो, हल्की हल्की किताबों से शुरुआत करो। ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा अमर चित्रकथा, पर्सनालिटियों की आती है वो मंगा लो, चित्रकथा तो पढ़ लोगे, हल्की शुरुआत करो। अंबेडकर, गांधी, प्रभुराम, श्री कृष्ण, छोटा छोटा, साहित्य को अपना दोस्त बना लो। यहां से जब जब ऊर्जा खत्म होने लगी, जहां तुमने उठाया, इग्नाइटेड माइंड्स, गीता, ये सब तो बड़ी हाई लेवल की किताब है, लेकिन पढ़ो, साहित्य को अपना दोस्त बना लो। संगीत एक बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत। संगीत, पर ध्यान रखना साहित्य का एक दूसरा वर्जन भी है, काली घाटी की चुड़ैल, वो मत पढ़ना, जो तुम्हारे ही रस को चूस ले जाए बाहर। तुम्हें रस लेना है, साहित्य से लो ना, रस से भरा हुआ साहित्य। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, वीर रस की कविता है। रस बहने लगेगा शरीर में,
तुम पढ़ रहे हो कानपुर की हसीना, संगीत संगीत में तो इतना जादू है। उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। जितनी शांत मन होता चला जाएगा उतने संगीत शांत, तो उतनी शांत धुन पे तुम आते चले जाओगे। रस लेना, मोटिवेशन नहीं लेना, साहित्य संगीत सत्संग एकदम। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे दोस्त, बाहर निकले कोई तुम्हें लेनिन की कहानी सुना रहा है, तुम किसी को स्टालिन की कहानी सुना रहे हो, तुम बाहर निकले सामने वाला कह रहा है राखी सावंत की शादी टूट गई, तुम लोग राखी सावंत के पीछे काहे पड़े हो यार, वो इतनी प्यारी लेडी है, वो इतनी अच्छी महिला है, वो सब नाटक कर रहे हैं, वो भी बेचारी कर रही है। पहले इस देश में लोगों को दूसरों को तारीफ करने में मजा आता था, आज जो YouTube पर रोस्टिंग करते हैं, सोशल मीडिया ने एक नए तरह का राक्षस पैदा कर दिया, रोस्टर राक्षस। क्योंकि रोस्टर रोस्ट करने से क्या होता है, सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, व्यूअरशिप मिल जाती है। सोशल मीडिया ने एक नया दौर पैदा कर दिया, किसी का नाम बदनाम करो तुम्हारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तुम्हारा व्यूअरशिप बढ़ेगा। कितने मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे टीचर हैं, बेचारे यूट्यूब पे आते ही नहीं, कहते हैं अरे भैया, एक मेरे दोस्त ने हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया, बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाते, उसमें नीचे किसी ने लिख दिया कि पहले बरेली स्टेशन पे चेन स्नेचिंग करता था, वो बेचारे वीडियो ही डिलीट कर दिए। और मैंने कहा तुम लिखो कि मैं और ओझा दोनों करते थे, 12 से 14 करते थे, फिर छोड़ दिए। कुत्ता सामने पड़ जाए तो दोनों टांग पकड़ के पटक दो उठाकर, अगर तुम्हारे ऊपर झपट रहा है तो, वरना कुत्ते जानवर बहुत अच्छे हैं। बाग बकरी के मालिक थे बेचारे, इतने रईस आदमी, सुबह सुबह कुत्तों ने नोज डाला, सत्संग बढ़िया रखो शानदार। वो नहीं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं कि आप बड़े अच्छे हैं भैया, आपकी बाल हेयर स्टाइल वाला भाड़ में जाओ, सत्संग मुन्ना त्रिपाठी जैसा सत्संग रखोगे ललित, उसका सत्संग देखो, उसका उसके संगति देखो साथी। और रैंचो का संगत देखो, राजू और फरहान इनोसेंट अच्छे लोग हैं, और एक सदगुरु बना लो, बहुत है भारत में। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान ज्वाइन कर लो, आओ महाराज अर्गनंद के यहां एक प्रोग्राम रखूंगा मैं, वहां थोड़ा ठंडक कम हो जाए मार्च या अप्रैल के आसपास, सबको बुलाऊंगा वहां पे, आओ
10 दिन वहां सेवा की जाएगी, साधना की जाएगी, झाड़ू बुहारी लगाई जाएगी, वहां के संत महात्माओं से आशीर्वाद लिया जाएगा। ये चार काम कर लो। हल्का सा जीवन में तनाव पैदा हो रहा है कि आप सदगुरु के आश्रम पहुंच जाओ, जो भी तुम्हारा आश्रम है, किसी संत महात्मा से जुड़ जाओ। बहुत है इस देश में, तुम ढूंढो तो। स्वामी करमवीर हैं हरिद्वार के क्षेत्र के पास, स्वामी करमवीर। पुरकाजी, पुरकाजी में उनका आश्रम है। फिर तुम वहां जा सकते हो, गायत्री परिवार वाले हैं, शांति निकेतन, शांति शांति कुंज हरिद्वार, वहां जाओ, चले आओ। और मजेदार बात कि भारत के बहुत सारे आश्रम हैं जो कोई पैसा नहीं लेते, तुम दे आओ अपनी तरफ से, वो बात अलग है। और यार मेरी एक भी बात तुमको अगर अच्छी लगी हो आज ना, तो कल सुबह एक काम करना, ठंडक बहुत चल रही है, किसी को एक शॉल ही गिफ्ट कर देना यार, 200-250 रुपए। एक कंबल किसी को दे देना यार, एक दे दो एक। आज से मूर्छा को बढ़ावा नहीं देना है, होश को बढ़ाना है। शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना। कहे गुरुजी तुम तो बहुत किए, तो हम बाहर भी तो निकले। अगर मेरी एक बात तुमको अच्छी लगी हो और तुमको लगता हो कि यार करेंगे यार, एक कंबल, एक बहुत ठंडक है बाहर, बहुत। कल मैंने कानपुर का एक वीडियो देखा, उसमें शमशान घाट में चिता जल रही है, वहां पे लोग बैठे हुए हैं, धू आग सेक रहे हैं, बहुत ठंडक है यार। एक कंबल 300 रुपया, एक। और 2024 तपस्या का वर्ष, एक नया संकल्प, आराम से धीरे धीरे। कल सुबह उठना आराम से, एक बैग मत उठना कि 2 बजे रात में उठ गए, ठंडे पानी नहा लिए, ये सब यार आराम से 6 बजे उठो आराम से। अगर कभी नहीं उठने के आदि हो 6 बजे उठो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे बदलो अपने आप को, धीरे 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 मजा लेना शुरू करो कष्ट का, और धीरे धीरे अपने आप को बदलो। आओ मिलकर एक नया भारत बनाएं। जय हिंद।